हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे? आई होप कि सब ठीक होंगे। अच्छा, आज आप लोगों का सेकंड लेसन है। फर्स्ट लेसन मैंने दिया था, आप पीछे जाके या मेरे चैनल पे क्लिक करके आप वो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आज सेकंड लेसन है। जिन्होंने अपना गिटार ट्यून कर लिया है, ठीक है, उसके बाद ट्यूनिंग के बाद सबसे पहला काम आपने क्या करना है? देखें, हर गिटारिस्ट, हर टीचर का सिखाने का तरीका अलग होता है। मैं आपको जिस तरीके से सिखाऊंगा, आपको मेरी सारी वीडियोस आप देखेंगे तो आप इंशाल्लाह मेरी बिलीव मी 30 डेज़ के अंदर, अगर आप 2 आवर्स की प्रैक्टिस करें ना डे में, तो बिलीव मी कि आप 1 मंथ के अंदर सीख जाएंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। ठीक है, आज आपका फर्स्ट लेसन है गिटार ट्यूनिंग के बाद, ये आपका सेकेंड लेसन बन रहा है आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, गिटार की वायर्स के ऊपर बिल्कुल आराम से ऐसे हाथ रख लेना, बिल्कुल ऐसे म्यूट कर लेना है, इनको म्यूट कर लेना है। ठीक है, हाथ रखना है, कोई भी नोट दबाने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं दबाया हुआ, सिर्फ ऐसे प्लेन हाथ रखा हुआ। आप ऐसे भी रख लें, कोई इशू नहीं है, ऐसे रख लें, ऐसे पकड़ लें, कुछ भी कर लें। ठीक है, अपने पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपने ये प्रैक्टिस करनी है, डाउन डाउन अप 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 डाउन। मैं डिस्क्रिप्शन में ये स्ट्रमिंग पैटर्न जो है मैं मेंशन कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। और क्लॉक, अगर आपके घर में जो है एनालॉग क्लॉक लगी हुई है, एनालॉग क्लॉक वो जिसके ऊपर 1 2 3 4 लिखे होते हैं, वो क्लॉक लगी हुई है, तो आप उस क्लॉक के साथ उसकी जो क्लिक है उसके साथ आप प्रैक्टिस करें तो यह बड़ा इजी होगा। मैं एक बार फिर बजा रहा हूँ तो आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक ये देखें आप, डाउन डाउन अप 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 डाउन, 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 डाउन डाउन अप 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 डाउन। साथ साथ बोलना है, साथ साथ ये स्ट्रमिंग पैटर्न बोलना है। अकेले में बैठ के प्रैक्टिस करें, कोई इशू नहीं है, सबके सामने करें। आपने इसको म्यूट करना है, आपने साथ बोलना है, डाउन डाउन अप 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 डाउन। डाउन स्ट्रोक का मतलब होता है डाउन डाउन अप 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 डाउन। अप का मतलब है कि नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक करना है आपने, और डाउन का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ आपने स्ट्रोक करना है। तो एक बार फिर मैं आपको ये रिपीट कर रहा हूँ, मेरे साथ प्ले करें, डाउन डाउन अप 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 डाउन, डाउन डाउन अप 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 डाउन, डाउन डाउन अप 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 डाउन। मैं आपके साथ एक और बात शेयर करता चलूं, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग चीज जो है ना, वो आपका स्ट्रमिंग पैटर्न है, ये राइट हैंड। लेफ्ट हैंड की कहानी बाद में आती है। जितना आपका राइट हैंड स्मूथ होगा, उतना आपकी प्लेइंग में आसानी होगी, प्लेइंग में आपको मजा आएगा, ज्यादा से ज्यादा प्ले कर सकोगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं तीसरे लेसन के साथ आपको मिलूंगा। आपने वो मेरी मैं बहुत स्लो स्लो चल रहा हूँ, बहुत स्लो स्लो चल रहा हूँ, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सकें। ठीक है, और तेज़ी नहीं दिखानी। एक दिन में गिटारिस्ट कोई नहीं बनता, ठीक है, या सिंगर कोई नहीं बनता, इसके लिए सालों की मेहनत है। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता चलो, मैं वीडियो बनाने का मकसद पता क्या है, मैंने फिजिकल अपेयरेंस के अंदर ना, जो मेरे पास स्टूडेंट्स सीखने आते हैं, मैंने यकीन करें, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो 1 मंथ के अंदर ट्रेन हो गए। बिलीव मी कि वो 1 मंथ के अंदर बजाने लगे। मैंने कहा यार वाई डोंट कि मैं जो है यूट्यूब के ऊपर अपने लेसन्स वगैरह शेयर करूं, और जो बच्चे घर बैठ के सीखना चाहते हैं, मेल्स हैं फीमेल्स हैं जो भी हैं, जिस तरह के भी हैं, तो वो प्ले करना स्टार्ट हों, उनसे नॉलेज अपना शेयर करूं। तो मैं वीडियोस अपनी शॉर्ट बना रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो आप सीख सकें। ठीक है, अब ये पहला लेसन आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। मैं वैसे अगर फिजिकल अपेयरेंस में हूं तो मैं 1 वीक की प्रैक्टिस देता हूं इस लेसन के लिए, 1 वीक की प्रैक्टिस देता हूं। ठीक है, अब लेसन में आपको दोबारा रिमाइंड करवाता हूँ क्या है, लाइक डाउन डाउन अप 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 डाउन। सबसे पहले आपने अपने गिटार की ट्यूनिंग करनी है, उसके बाद ये म्यूट करके ये स्ट्रमिंग पैटर्न जो मैंने आपको बताया, डाउन डाउन अप 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 डाउन, ये स्ट्रमिंग पैटर्न आपने प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेसन के साथ
इसी चैनल पर मिलूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें जो सीखना चाहते हैं आप। लोगों से शेयर करेंगे अपना नॉलेज तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, बिलीव मी, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इंशाल्लाह थर्ड लेसन के साथ फिर मैं आपको मिलता हूँ।